हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लो प्रेशर से अगर हमारा ट्रिप कर रहा है कंप्रेसर तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और उसको कैसे ठीक करेंगे, आज हम उसके बारे में जानेंगे। अगर हमारा एयर कूल्ड सिस्टम है तो उसमें लो प्रेशर से अगर ट्रिप करता तो क्या कारण हो सकता है। वाटर कूल्ड अगर हमारा सिस्टम लगा हुआ है उसमें अगर लो प्रेशर से हमारा सिस्टम ट्रिप करता है तो क्या रीजन हो सकता है, ये सब हम आज आप लोग को इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और लो प्रेशर से क्यों ट्रिप करता है और ये हमें जानना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक हम आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। ऐसे तो ये सबका एक दिन दो दिन ऐसा करके क्लास चलता है, लेकिन हम आज 10 मिनट के वीडियो के अंदर जो है आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए सोचे हैं। इस वीडियो में हम आपको बहुत हद तक बता देंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लो प्रेशर से सिस्टम क्यों ट्रीट करता है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारा रेफ्रिजरेंट यूज होता है जिसके जरिए हमें कूलिंग प्राप्त होता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल का दो पार्ट होता है, एक लो साइड होता है और एक हाई साइड होता है। तो लो साइड में हमारा लो प्रेशर रहता है और हाई साइड में हमारा हाई प्रेशर रहता है। तो वो दोनों को ऑपरेट करने के लिए सक्शन लाइन में हमारा एलपी स्विच लगाया जाता है और डिस्चार्ज लाइन में एचपी स्विच लगाया जाता है। मतलब हाई प्रेशर स्विच आपका डिस्चार्ज लाइन में और लो प्रेशर स्विच हमारा सक्शन लाइन में लगाया जाता है। तो हाई प्रेशर का बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम लोग एलपी स्विच के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा एलपी काम कैसे करता है। ठीक है, हमारा सिस्टम के अंदर मान लीजिए कोई रेफ्रिजरेंट एक डाला, एक रेफ्रिजरेंट का हम लोग ले लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं, R134 है, R22 है, R410 है, 407C है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो एग्जांपल हमारा जो चिलर वगैरह जाए तो उसमें R134A यूज होता है। तो R134A का मान लीजिए सक्शन प्रेशर जो है उसका जो स्टैंडर्ड होता है, अपना एयर कूल्ड सिस्टम है तो इसका जो है 45 to 55 PSIG हमका मिलता है ये अपना सक्शन प्रेशर। ठीक है, बैक प्रेशर भी इसको हम लोग बोलते हैं। वही अगर हमारा वाटर कूल्ड सिस्टम है तो इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे 35 से 45 PSIG हमको मिलता है। ये हमारा वाटर कूल्ड सिस्टम है, ये आपका R134 रेफ्रिजरेंट का ये बैक प्रेशर। ठीक है, R134A, ये एग्जांपल के लिए हम एक रेफ्रिजरेंट ले लिए हैं। R134A का बैक प्रेशर कितना होगा एयर कूल सिस्टम में, 45 से 55 PSIG मिलेगा और वाटर कूल सिस्टम में 35 से 45 PSIG मिलेगा। तो अभी हमारा एलपी जो है ये हमारा सक्शन लाइन में लगा हुआ होता है एलपी स्विच, तो वो काम कैसे करता है, जैसे कि ये 45 से 55 के बीच में अगर हमको प्रेशर मिलता है लो प्रेशर तो वो सिस्टम हमारा अच्छा से वर्क कर रहा है, उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन एलपी अगर 45 से हमारा प्रेशर डाउन होता है कोई भी कारण से, वो कारण हम अभी आपको बताएंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी कारण से अगर 45 से हमारा प्रेशर डाउन होने लगता है, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रेशर आ गया 40 हो गया, 35 हो गया, इस तरह से ये हो गया, तो हम लोग एक प्रेशर सेट करते हैं, जैसे एलपी स्विच में प्रेशर सेट करते हैं कि कितना प्रेशर का जो है आने के बाद जो हमारा एलपी ट्रिप करना चाहिए। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने 35 में सेट करके रखा हुआ है, 35 में हमने लो प्रेशर को सेट करके रखा हुआ है, तो जैसे ही 35 हमें आएगा प्रेशर बैंक जाएगा, उस हिसाब से हमारा क्या करेगा एलपी स्विच जो है कंप्रेसर को बंद कर देगा, कटअप कर देगा। एलपी स्विच ये हमारा सेफ्टी डिवाइस है, समझ गए। आपसे कभी भी एक क्लाइंट क्वेश्चंस कर सकता है, पूछ सकता है, या आप खुद से काम कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि एलपी क्या है। तो एलपी स्विच जो है ये हमारा सेफ्टी डिवाइस है और इसका काम सिर्फ यही है कि कंप्रेसर को सेफ्टी देता है ये। ठीक है, अभी कंप्रेसर का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, अगर चिलर है तो उसका लाखों करोड़ों में मशीन का वैल्यू रहता है, बाय चांस कंप्रेसर जल जाता है। तो कंप्रेसर चलने के बाद आपसे बहुत तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्यों जला, कैसे जला, क्या सेफ्टी डिवाइस काम नहीं कर रहा था, तो आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना होगा। तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि हाँ उसको आप एक्सप्लेन कर सके कि हाँ काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, क्या रीजन था,
बता सके आप, या इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे पूछ सकता है कि सेफ्टी डिवाइस के बारे में बताएं, उसका नाम बताएं। तो ये आप लोगों को मालूम हो गया कि अगर 35 तक आता है तो हमारा लो प्रेशर सिस्टम को बंद कर देगा, ठीक है। इसी तरह से तो ये 35 तक आएगा कैसे, किन किन कारणों से आ सकता है, तो हम लोग एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड का रीजन हम लोग जानेंगे, क्या क्या कारणों से जो हमारा एलपी से ट्रीट करेगा सिस्टम। सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट कम है, लो रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट कम है तब हमारा सिस्टम लो प्रेशर से ट्रिप करेगा, और सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट कम या तो लीकेज हो सकता है या सिस्टम के अंदर गैस कम चार्ज किया गया है, वो कारण से होगा। हाफ एक्सपेंशन भर ब्लॉकेज हो गया है तभी भी ये हमको लो प्रेशर से सिस्टम ट्रिप करेगा, जैसे एक्सपेंशन भर का ऑरिफिस बहुत पतला होता है, रेफ्रिजरेंट जो फीडिंग आगे एवोपरेटर में फीडिंग कराता है उसका जो है जाने का रास्ता बहुत पतला होता है, अगर वो भी ब्लॉक हो जाएगा तो आपको लो प्रेशर से ट्रिप करेगा, वो थोड़ा एक्सपेंशन भर पे हल्का आइस भी आया रहेगा। रिटर्न एयर फिल्टर, ये हमारे स्प्रिट वगैरह ये सब में जो रहता है उसमें अगर आपका फिल्टर बहुत ज्यादा डस्ट हो गया है तो भी लो प्रेशर जाएगा। एक्चुअली उसमें एलपी स्विच ये सब तो नहीं लगाया रहता है, छोटे सिस्टम में अपना स्प्लिट हो गया, विंडो हो गया और डक्टेबल हो गया, सब में तो नहीं मिलता है हमको एलपी स्विच, लेकिन उसका रीजन वही रहेगा, ठीक है। और कूलिंग कॉइल भी ब्लॉकेज हो जाता है तो भी हमारा लो प्रेशर से ट्रिप करेगा सिस्टम, ये सब आप कूलिंग कॉइल साफ करेंगे, रिटर्न एयर फिल्टर वगैरह साफ करेंगे तो बाद में सही हो जाएगा। लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर डिफेक्टिव, अगर आपका जो प्रेशर को सेंस करने के लिए ट्रांसड्यूसर लगाया जाता है, एलपी स्विच अलग होता है और एक एलपी ट्रांसड्यूसर अलग होता है जो अपना चीलर वगैरह में ये सब में देखने को मिलता है, अगर वो भी खराब हो गया तो वो क्या है गलत रीडिंग दिखाएगा सिस्टम के अंदर और हमारा सिस्टम लो प्रेशर से ट्रिप कर जाएगा। लो प्रेशर स्विच डिफेक्टिव, अगर मान लो एलपी स्विच जो है हमारा जिससे हमारा सेंस करके हमारा आगे कंट्रोल को डिस्कनेक्ट करता है, अगर वही खराब हो जाता है, लो प्रेशर स्विच खराब हो जाता है तभी भी हमको क्या है एलपी से सिस्टम ट्रिप करेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सही करेंगे, उसके बाद हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे क्या कारण से हो रहा है। अगर आपको मिल गया कि रेफ्रिजरेंट कम है तो उसके चलते हो सकता है, फिर लो प्रेशर स्विच खराब है उसके चलते हो सकता है, और ये सब जो है ना लो प्रेशर स्विच ये सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस कभी भी बाईपास करके नहीं चलाने का, उससे बहुत खतरा होता है। फिर ब्लोअर डर्टी हो गया या टूट गया उसके चलते भी जो है ना स्प्लिट एसी वगैरह में ब्लोअर डर्टी वगैरह हो गया ना, गंदा हो गया, तभी भी जो है आपको लो प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग देखते हैं वाटर कूल सिस्टम में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। वाटर कूल सिस्टम में कूलिंग टावर वाटर ओवर कूलिंग हो जाएगा, कूलिंग टावर का जो वाटर है वो ज्यादा कूलिंग हो जाने के बाद अगर आप कंडेंसर में मान लें स्टैंडर्ड 25 से 28 के बीच में होता है अपना कूलिंग टावर का, ठीक है, और उसके बाद जब उसके अंदर से हीट ट्रांजेक्शन होकर जाता है कूलिंग टावर में वापस तो लगभग 5-7 डिग्री का डिफरेंस हो जाता है डेल्टा टी, तो अगर वो कूलिंग ज्यादा हो जाता है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक चिलर के लिए चार कूलिंग टावर फैन लगाया हुआ है, गर्मी के दिनों के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, और ठंडी के मौसम में क्या होता है कि हमारा कम कूलिंग टावर चलाना पड़ता है, मान लो अगर चार चला रहे थे गर्मी के दिन में तो ठंडी के दिन में हम लोग दो चलाते हैं, लेकिन आपने ठंडी के दिन में भी चार फैन चला दिया तो उसके चलते पानी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा और फिर आपका सिस्टम लो प्रेशर से ट्रिप करेगा, तो वो आप लोग देख करके उसको देख चेक कर लेंगे। लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर ब्लॉकेज हो जाएगा, लिक्विड लाइन में फिल्टर लगा रहता है अगर वो भी ब्लॉक हो जाता है उससे भी हमारा जो है सिस्टम लो प्रेशर से ट्रिप करेगा। जैसे कि अभी उसको चेक कैसे करेंगे, तो फिल्टर जो होता है लिक्विड लाइन का जो फिल्टर होता है उसके दोनों बगल पाइप को पकड़ के हम चेक कर सकते हैं, दोनों बगल हीटिंग जो है ना इक्वल होना चाहिए, दोनों बगल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर ब्लॉकेज रहेगा तो दोनों बगल में डिफरेंस होगा। दूसरा हमारा हाफ एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉकेज जो हमारा एयरपोर्ट सिस्टम में था, इसमें भी ब्लॉकेज रहेगा तो हमारा लो प्रेशर ट्रिप करेगा। स्केल इन द चिलर ट्यूब, चिलर जो हमारा होता है उसके अंदर अगर स्केल आ जाता है तभी भी जो है हमारा सिस्टम ट्रिप करेगा। लो रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट कम चार्ज रहेगा, गैस सिस्टम गैस कम रहेगा तो भी हमारा लो प्रेशर से ट्रिप करेगा। आप गैस कम होने के लिए आपको रीजन मालूम है, या तो लीकेज है या तो फिर गैस कम उसमें डाला हुआ है। लो प्रेशर ट्रांसड्यूसर डिफेक्टिव, अगर लो प्रेशर का जो ट्रांसड्यूसर है वो भी डिफेक्टिव हुआ तो हमारा गलत रीडिंग दे करके सिस्टम ट्रिप कराएगा। लास्ट में एलपी स्विच जो हमारा कंट्रोल करता है उसके अगर वो खराब हो जाता है तभी भी हमारा एलपी से ट्रिप करेगा सिस्टम।
तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको बहुत सारा कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। बहुत कम टाइम में आप लोगों को एक्सप्लेन करना रहता है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है, कोई जानना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में हाई प्रेशर से क्यों ट्रिप होता है और पीपीएम वगैरह बहुत सारा कुछ है उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहें। ओके, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के दूसरे टॉपिक के साथ। चलें, आप अपना ख्याल रखें।